काल बनकर आ रहे ट्रक से भिड़ी बस, घटना स्थल पर हुई 3 की मौत। कई गंभीर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं मौत का रूप ले रही हैं। ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना हनुमना के पिपाही चौकी के समीप घाटी में घटी थी, जहां पर सिंगरौली से रीवा आ रही सैफ ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP17P0977 हनुमना की ओर से आ रहे ट्रक से आमने सामने की सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ दिए। वहीं इस घटना में करीब दर्जन भर लोगों को चोटें, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उन्हें उपचार पश्चात छुट्टी दे दी गई। जबकि एक यात्री की हालत नाजुक होने के कारण उसे रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहीं इस दुर्घटना के बाद पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेस्क्यू का कार्य जारी कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। प्रस्तुत BMO पुष्पेंद्र मिश्रा एवं एडिशनल SP मोगंज विजय डावर से जानकारी के अंश। ठोंग देखी तो पुलिस वाला मर गया है ठीक है पब्लिक सर थोड़ा सा कोमा में हाँ हाँ सर भेज थे अपने फोटो पिपराही में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 1 दर्जन से ऊपर लोगों की साधारण चोटें आईं, जिनका इलाज करके घर भेज दिया गया है। 1 गंभीर थे, उनको रीवा रेफर किया गया है। PM करने के बाद 100 परिजनों को दे दिया जाएगा। सर जो 3 लोग मृतक हैं, क्या वह दुर्घटना स्थल से ही मृतक थे या अस्पताल? एक जन की मृत्यु दुर्घटना स्थल पे हो गई थी, 1 रास्ते में खत्म हुए, 1 हॉस्पिटल में आके खत्म हुए। एक्सीडेंट की सूचना जिसमें प्राप्त हुई थी, उस एक्सीडेंट में 1 सैनिक और 1 व्यक्ति की मृत्यु होना भी बताया गया है। पर अभी मौके पर SDOP और थाना प्रभारी उपस्थित हैं और बस को और ट्रक को हटाकर यातायात को सुचारू चालू करने की कोशिश की जा रही है। और अभी वर्तमान में थोड़ी देर बाद मैं भी जो स्पॉट पर जाकर घटनास्थल पर देख जाकर पूरी वस्तु स्थिति देखूंगा किस कारण से घटना बंद हुआ। सर बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? अभी इसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, और जैसे ही मुझे मैं जाके स्पॉट पर जाऊँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा।